मूवी की स्टार्टिंग में हम विक्टोरिया कोड को देखते हैं, जो कि कोड इंडस्ट्री की ओनर भी होती है, और वो एक साइड पर अपने साइंटिस्ट हैरी और अपने गार्ड कॉनरेड के साथ काम कर रही होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो काफी समय से किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। हैरी बोलता है कि वो चीज हमें इस बार भी नहीं मिलने वाली। तभी उनके सामने एक चीज को तोड़ा जाता है और उसके अंदर से एक बीटल जैसा डिवाइस निकलता है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये एक एलियन टेक्नोलॉजी है। और ये टेक्नोलॉजी एंशिएंट टाइम से ही अर्थ पर मौजूद थी, जिसका यूज कोड इंडस्ट्री में किया जा रहा था। विक्टोरिया कोड से पहले उसका भाई इस टेक्नोलॉजी का यूज करता था, और क्योंकि अब वो गायब हो चुका है, इसलिए विक्टोरिया कोड ने इसकी कमान खुद संभाली है और अब वो इस डिवाइस का यूज करेगी। और इस तरीके से ब्लू बीटल मूवी की शुरुआत होती है। अब हम इस पेलमोरा नाम की सिटी के एक एयरपोर्ट पर जेमी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि लॉ की पढ़ाई करके अपने घर वालों से मिलने वापस आता है, जहाँ पर हम जेमी की दादी, उसके पेरेंट्स और उसकी बहन एमा को देखते हैं। साथ ही उसके अंकल रोडी भी वहां पर आते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं। अब वो सभी लोग पास ही के एक रेस्टोरेंट में जाकर लंच करने लगते हैं, जहां पर एमा बताती है कि उनके परिवार की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, उनका घर बिकने वाला है और उनके फादर का भी बिजनेस में काफी बड़ा लॉस हो चुका है। जेमी बोलता है कि उन लोगों ने ये चीज उसे पहले क्यों नहीं बताई, अगर उसे पहले पता होता तो वो कब का यहाँ पर आ चुका होता। जिस पर उसकी मोम बोलती है कि हम चाहते थे कि हमारे परिवार में से कोई पढ़ा लिखा हो, और क्योंकि अब तुम वापस आ चुके हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब वो सभी लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। अब जेमी अपनी बहन एमा से बातें करने लगता है, जहाँ पर जेमी अपने परिवार पर हो रहे कर्जे से काफी ज्यादा दुखी होता है। वो एमा से बोलता है कि वो कुछ भी काम करके अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देगा और वादा करता है कि वो अमीरों की जिंदगी जिएंगे। इसके अगले ही दिन जेमी को हम एक आलीशान घर में देखते हैं, एमा भी वहीं पर होती है। और अब जेमी एमा को सफाई करने के लिए बोलता है। दरअसल ये दोनों इस घर की सफाई का काम कर रहे थे। एमा के पास ऐसी ही कुछ छोटी छोटी जॉब्स थी जो वो किया करती थी। अब वहां पर विक्टोरिया कोड और उसका गार्ड कौन रेड आता है। असल में ये घर उन्हीं का ही होता है। अब विक्टोरिया अपने घर में आकर अपनी भतीजी जेनी से मिलती है। जेनी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो टीवी में एक क्लिप को प्ले करती है, जिसमें बताया जाता है कि विक्टोरिया ने एक कॉमेट नाम का डिवाइस बनाया था, जिससे किसी भी इंसान को सुपर सोल्जर में बदला जा सकता है, और ये सुपर सोल्जर एक आर्मी पर भी भारी पड़ता है। जेनी बोलती है कि इस प्रोजेक्ट को तो कई साल पहले ही उन्होंने बंद कर दिया था। ये उसके पिता का ही डिसीजन था, क्योंकि वो कोई भी ऐसा हथियार नहीं बनाना चाहते थे जो कि दुनिया को तबाह कर सकता है। ये सुनकर विक्टोरिया भी गुस्से में आ जाती है। वो जेनी से बोलती है कि तुम्हारे पिता पहले कोड इंडस्ट्री को चलाते थे, और उसके बाद तुम और तुम्हारी मोम ने कंपनी की चीजों को चैरिटी में डोनेट ही किया है, बल्कि इस कंपनी को तो मैं लीड कर रही हूँ, इसलिए अब जो मैं चाहूंगी वही होगा। विक्टोरिया और जेनी की बहस चल ही रही होती कि जेरेमी भी उन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, इसलिए विक्टोरिया जेमी और एमा को जॉब से फायर कर देती है। अब वो दोनों बाहर बैठकर अपनी गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं, तभी वहां पर जेनी आती है और इन सब चीजों के लिए सॉरी बोलती है। वो जेमी को एक कार्ड देती है और बोलती है कि वो उसे अपनी कंपनी यानी कि कोड इंडस्ट्री में जॉब पर लगवा सकती है। ये कहकर जेनी वहां से चली जाती है। अब जेनी अपने फादर एल्बर्टो के साथ बैठा होता है, जहां पर अगेन उसे अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अब जेमी के फादर अल्बर्टो उसे बोलते हैं कि ये सब चीजें तो लाइफ में चलती रहती है, बट हमें सबसे ज्यादा ये खुशी है कि तुम वापस आ गए। ये सुनकर जेमी भी अब खुश हो जाता है। अगले दिन वो कोड इंडस्ट्री जाता है। वो वहां पर जाकर जेनी के बारे में पूछता है, जिस पर उसे वेट करने के लिए बोला जाता है। अब हम इंडस्ट्री के एक साइंटिस्ट हैरी को देखते हैं, जो कि लैब से बाहर निकलकर वॉशरूम जा रहा होता है। जेनी इसी बीच उससे टकरा कर उसे चाबी चुरा लेती है। अब वो लैब के अंदर घुस जाती है, जहां पर उसे वो बीटल डिवाइस दिखाई देता है, जिसकी पावर्स को कन्वर्ट करके हैरी कॉन्वेंट में ट्रांसफर करना चाहता था। अब जेनी उस बीटल डिवाइस को लेकर वहां से निकलने लगती है। नीचे जाने पर उसे जेमी मिलता है। अब जेनी उससे बोलती है कि वो जल्दी में उससे बाद में मिलेगी। तभी वहां पर बिल्डिंग का सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाता है। अब जेनी जेमी को वो बीटल डिवाइस दे देती है, जिसे उसने एक बर्गर के पैकेट में रख दिया था। वो पैकेट जेमी को देकर वो बोलती है कि तुम्हें इसे किसी भी कीमत पर नहीं खोलना है, और इस पैकेट की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसके बाद जेमी उस पैकेट को लेकर घर पर आ जाता है और अपनी फैमिली को दिखाता है। अब सभी लोग जेमी को उस पैकेट को खोलने के लिए बोलते हैं। वो उसे खोलता है, जिसके अंदर एक बीटल स्कैरब होता है। अब जैसे ही जेमी उस स्कैरब को अपने हाथ में लेता है, वो चमकने लगता है और उसके फेस पर चिपक जाता है। इसके बाद वो डिवाइस जेमी की बॉडी पर चिपक कर एक बीटल सूट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और यहाँ पर हमें पहली बार ब्लू बीटल का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब ब्लू बीटल के अंदर की सूट की AI, जिसका नाम खाजिदा होता है, उसकी आवाज आती है और वो बोलती है कि उसका होस्ट मिल गया। और यहाँ पर ब्लू बीटल की एक दिलचस्प बात यह है कि उसके अंदर की AI, जिसका नाम खाजिदा होता है, उसकी आवाज केवल उसका होस्ट ही सुन सकता है।
है यानी कि ब्लू बीटल। अब AI बोलती है कि होस्ट मिलने के बाद पावर्स को चेक किया जा रहा है। इसके बाद वो AI उस सूट की सारी पावर्स को एक एक करके चेक करने लगती है। इस दौरान वो जेरेमी को सूट से फ्लाई करवाती है, इधर उधर गिराती है और कई सारे वेपन्स वो सूट से क्रिएट करवाती है, जिससे शहर भर में काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। अब ब्लू बीटल की सारी पावर्स टेस्ट हो जाने के बाद वो AI जेरेमी को वापस उसके घर पे ला के पटक देती है, जहाँ पर जेरेमी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अब वो तुरंत ही अपने अंकल रोडी की कार लेकर कोड इंडस्ट्री चला जाता है, जहाँ पर उसे बाहर ही एक गेट के पीछे छुपती हुई जेनी मिल जाती है। ये देखकर जेमी जेनी को आवाज देता है, जिसके बाद जेनी आकर उसकी कार में बैठ जाती है। जेनी के पीछे काफी सारे लोग पड़े हुए होते हैं, इसलिए जेनी जेमी को जल्दी से वहां से निकलने के लिए बोलती है और बताती है कि विक्टोरिया कोड को पता लग चुका है कि उसी ने लैब से वो स्क्रैप चुराया था, जो कि अब जेमी के पास है और अब इसीलिए विक्टोरिया कोड उसे पकड़ना चाहती है और यही कारण है कि इतने सारे लोग उसने जेनी के पीछे लगा रखे हैं। इसके बाद जेमी जेनी को लेकर उसके घर पर आ जाता है, जहां पर सभी लोग उस ब्लू बीटल सूट के बारे में जेनी से पूछने लगते हैं और अब जेनी उस ब्लू बीटल स्क्रैप के बारे में सब कुछ बताने लगती है। जेमी पूछता है कि इस ब्लू बीटल स्क्रैप को उसकी बॉडी से हटाया कैसे जाए, जो कि अब उसके साथ चिपक चुका है। जेनी बोलती है कि इस ब्लू बीटल स्क्रैप के ऊपर स्टडी करने के लिए उसे एक चाबी की जरूरत है और वो चाबी कोड इंडस्ट्री की हाईटेक सिक्योरिटी की लैब में है और अब किसी भी हालत में उन्हें इस चाबी को हासिल करना है। इसके बाद जेमी जेनी और रोडी उस चाबी को हासिल करने के लिए कोड इंडस्ट्री की उस लैब में जाने लगते हैं, जहां पर जाते ही रोडी कोड इंडस्ट्री के सारे कैमरास और सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेता है। इसके बाद जेनी और जेमी लैब के अंदर घुस के उस चाबी को लेकर वापस बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही उनका सामना विक्टोरिया कोड के एक गुंडे से होता है और ये गुंडा कोई आम इंसान नहीं होता, क्योंकि विक्टोरिया कोड ने इसकी बॉडी में काफी ज्यादा बड़े मैकेनिकल वेपन्स फिट कर रखे थे, जो इसे एक जीता ज्यादा साइबोर्ग बना देता है। अब वो गुंडा उन पर अटैक कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स में स्क्रैप जेरेमी को ब्लू बीटल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब उनके बीच काफी ज्यादा फाइट होती है और आखिरकार जेमी जेनी और रोडी किसी तरीके से वहां से बचकर निकलकर भाग जाते हैं। अब जेनी जेमी और रोडी को लेकर सीधा उनके पुराने घर जाती है। वो उन दोनों को बताती है कि बचपन में वो अपने पेरेंट्स के साथ यहीं पर रहा करती थी और यह घर काफी ज्यादा पुराना है और क्योंकि सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया, इसलिए विक्टोरिया कोड भी उन्हें यहाँ पर नहीं ढूंढ सकती। अब वहां पर आकर रोडी जेमी की स्क्रैप को स्टडी करने लगता है और उसे पता चलता है कि ये स्क्रैप जेमी के दिमाग से जुड़ चुका है और उसकी बॉडी से अटैच हो चुका है, यानी कि ये स्क्रैप जेमी की बॉडी से उसके मरने के बाद ही अलग होगा। आसान शब्दों में, जब तक जेरेमी जिंदा रहेगा तब तक ये स्क्रैप उसी के साथ जुड़ा रहेगा। ये सुनकर जेमी राइस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो एक सिंपल सी लाइफ चाहता था, लेकिन अब वो इस ब्लू बीटल स्क्रैप के चलते एक सुपर हीरो बन चुका है, जिस वजह से उसे कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। अब वो लोग अपनी बिल्डिंग पर एक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखते हैं, जिसे देखकर जेनी समझ जाती है कि विक्टोरिया कोड ने उन्हें ढूंढ लिया है। हेलीकॉप्टर की डायरेक्शन देखकर जेमी राइज ये भी समझ जाता है कि वो उसके घर पर ही जा रहे हैं। अब जेमी ब्लू बीटल में ट्रांसफॉर्म होकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। रोडी और जेनी भी अब उनका पीछा करने लगते हैं। जेमी के घर पर पहुंचने के बाद विक्टोरिया कोड उसके घर के सारे मेंबर्स को कैप्चर कर लेती है। तभी वहां पर ब्लू बीटल यानी कि जेमी भी आ जाता है और अब वो विक्टोरिया कोड के सारे आदमियों को एक एक करके मारने लगता है, जिसे देखकर विक्टोरिया कोड हेलीकॉप्टर के अंदर से एक स्पेशल वेपन ब्लू बीटल पर फायर करती है और ये एक ऐसा स्पेशल वेपन था जो कि ब्लू बीटल के लिए ही बनाया गया था, जो कि उसके स्क्रैप को न्यूट्रलाइज कर देता है। और जैसे ही इस वेपन को ब्लू बीटल पर फायर किया जाता है, उसका स्क्रैप पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है। कुछ समय के लिए उसकी सारी पावर्स चली जाती है और वो उड़ता उड़ता ही जमीन पर आकर गिर पड़ता है, जिसके बाद जेमी अपनी किसी भी पावर्स को यूज नहीं कर पाता और अब विक्टोरिया कोड के गुंडे उसे पकड़कर हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ उसके फादर एल्बर्टो को हार्ट अटैक आ जाता है, जिस वजह से वो मर जाते हैं। इसके बाद जेनी और रोडी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जेनी बताती है कि विक्टोरिया कोड ब्लू बीटल यानी कि जेमी को लेकर उसके सीक्रेट आइलैंड पर गई होगी और वहां पर वो जेमी के ब्लू बीटल स्क्रैप से पावर्स को हासिल करेगी। अब जेमी की फैमिली डिसाइड करती है कि वो विक्टोरिया कोर्ट से जेमी के फादर का बदला लेगी और जेमी को उस सीक्रेट आइलैंड से छुड़ा कर लाएगी। इसके बाद जेनी उन सभी लोगों को लेकर अपने घर पर चली जाती है, जहां पर वो अपने फादर टेड कोड का एक व्हीकल निकालती है, जो कि सिमिलर होता है ब्लू बीटल से, और उस व्हीकल में वो सभी लोगों को बिठा देती है। उसी व्हीकल में कई सारे वेपन्स भी होते हैं, जिन्हें वो उन सभी लोगों को दे देती है, जैसे शील्ड और गन्स वगैरह। और अब वो जेमी को बचाने के लिए उस सीक्रेट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ उस सीक्रेट आइलैंड पर विक्टोरिया कोड जेमी के ब्लू बीटल स्क्रैप के कोड को कॉपी करने लगती है और उसे कॉपी करने के बाद वो उसे अपने गुंडे में डाल रही होती है, वही साइबर गुंडा। और यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो जेरेमी की मौत भी हो जाएगी। अब विक्टोरिया कोड इस पूरे प्रोसेस को चालू कर देती है,
जिसके बाद वो ब्लू बीटल स्क्रैप के कोड को कॉपी करने लगते हैं और कॉपी करने के बाद वो उसे अपने गुंडे में डालकर पावर्स को एक्टिवेट भी कर देती है, जिसके बाद उस गुंडे के अंदर भी ब्लू बीटल जैसी सारी पावर्स आ जाती है। इसके बाद जेमी मरने वाला होता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी उसके सपने में उसके फादर आते हैं जो कि उसे मोटिवेट करते हैं, जिस वजह से अब जेमी वापस उठ खड़ा होता है और अपने आप को आजाद करवा लेता है। अब जेनी उसके फैमिली मेंबर्स को लेकर यहाँ पर आ जाती है। वो एक एक करके सारे गुंडों का सफाया करते हुए अंदर घुस आती है। अब ब्लू बीटल और उस गुंडे की फाइट होने लगती है, जहाँ पर वो गुंडा पहले तो जेमी पर भारी पड़ने लगता है। वो उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करके उसके सूट को बेकार करने लगता है। तभी वहां पर पीछे से रोडी जेमी को बचाने के लिए उस गुंडे को रोकने लगता है, जिस पर वो गुंडा अब रोडी पर ही अटैक करने लग जाता है। ये देखकर जेमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस गुंडे पर अटैक करने लग जाता है। वो उसे पीट पीट कर उसका पूरा सूट खराब कर देता है। और अब जेमी उस गुंडे की जान लेने ही वाला होता है कि तभी उसका AI यानी कि खाजिदा उसे रोक लेता है और बताता है कि जेमी ये कोई बुरा इंसान नहीं है, बल्कि ये एक अच्छा इंसान है, क्योंकि जब ब्लू बीटल के स्क्रैप की पावर्स को कॉपी किया जा रहा था तो उसने इस गुंडे की पास्ट लाइफ की मेमोरीज को देख लिया था। अब वो AI जेमी को भी उस गुंडे की मेमोरीज दिखाने लगता है, जहाँ पर वो उसे दिखाता है कि वो गुंडा एक मासूम सा बच्चा हुआ करता था, जिसने एक हवाई हमले के चलते अपनी मोम को बचपन में ही खो दिया था, जिसके बाद विक्टोरिया कोड ने उसे अडॉप्ट किया और उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट एक के बाद एक करती गई। साथ ही उसे इन सब चीजों का कुछ भी याद नहीं रहे, इसलिए उसने उसका ब्रेन वॉश भी करवा दिया। इस तरीके से उसने उसकी पूरी मेमोरीज को ही इरेज कर दिया। AI जेमी को ये सारी मेमोरीज दिखाने के बाद गुंडे की मेमोरीज भी वापस ला देता है और अब जेमी उस गुंडे को छोड़ देता है। उनके थोड़ी दूर पर ही हम विक्टोरिया कोड को भी देखते हैं, जिसके हाथों से जेनी उस डिवाइस को छीन लेती है जिसके अंदर ब्लू बीटल के स्क्रैप का कोड कॉपी होता है। जेनी उस डिवाइस को छीनकर उसे तुरंत ही तोड़ देती है, जिसके बाद विक्टोरिया कोड उस गुंडे से कहकर उसे मारने को बोलती है। बट क्योंकि अब गुंडे की सारी मेमोरीज वापस आ चुकी थी, इसलिए वो विक्टोरिया के पास जाकर उसे पकड़कर अपने सूट को हीट करने लगता है, ताकि वो सूट हीट होकर ब्लास्ट हो जाए, जिस वजह से विक्टोरिया कोड के साथ साथ वो पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाए। अब जेमी का AI उसे बताता है कि ये जगह बहुत जल्द तबाह होने वाली है और वो जल्द से जल्द अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ से निकले। इसके बाद जेमी ऐसा ही करता है और जेनी की लाई हुई ब्लू बीटल व्हीकल में अपनी पूरी फैमिली को बिठाकर वहां से निकल जाता है। उनके निकलते ही उस बिल्डिंग में एक जोरदार धमाका होता है और वो पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। लेकिन अब तक जेमी अपनी पूरी फैमिली के साथ घर आ चुका था। वो अपने घर को देखते हैं जो कि अब रहने लायक नहीं बचा था, जिस पर जेनी बोलती है कि वो और उसकी कंपनी घर को रीबिल्ड करने में सारा खर्च उठाएगी। और साथ ही वो रोडी को भी एक न्यू कार गिफ्ट करती है, क्योंकि फाइट के दौरान रोडी की पुरानी कार इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी कि वो अब चलने लायक नहीं बची है। और यहीं पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात करें तो इस मूवी में टोटल 2 पोस्ट क्रेडिट सीन थे, जिसमें से एक तो कुछ खास नहीं है क्योंकि वो फनी वे में बनाया गया। इसके अलावा एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है जेनी का वही घर, जिसमें से वो ब्लू बीटल का वही व्हीकल लेकर आई थी, और वहां पर हम एक डिवाइस को ऑन होते हुए देखते हैं। ऑन होते हुए उसमें से जेनी के फादर टोड कोड की आवाज आती है, जो बोलते हैं कि मुझे पता नहीं मेरी बेटी ये सुन रही होगी या फिर नहीं, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। यानी कि जेनी के फादर टोड कोड भी अभी जिंदा है। और यहीं पर हमारा पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है।